तो यार रूम पे तो हम लोग पहुंच गए थे और थोड़ी देर सो भी लिए थे। फिलहाल अभी रूम की हालत इतनी बेकार हो रखी ना, लिटरली ये देखो जरा, सामान 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 सामान। और घर में एनर्जी बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है, जो घर पे हम लोगों को हमेशा से टोकी जाती है बात कि घर की सफाई रखनी चाहिए, और ये सब बिल्कुल सही फैक्चुअल बात है। इसी वजह से मैं जा रहा हूँ पूरे घर की सफाई करने के लिए, मतलब रूम एक बार साफ हो जाएगा ना तो पॉजिटिव वाइब्स बनेंगी। एटलीस्ट कुछ नया काम करने से पहले ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। हम पुरानी बातों को नेगलेक्ट कर जाते हैं, लेकिन नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। तो चलो बस फटाफट कर लेते हैं, दिखाते हैं आपको। तो देखो इधर वाला जितना एरिया था ना, सारे बैग उठा के अभी उस तरफ कर दिए, अभी इधर की सफाई कर देते हैं, क्योंकि चूहे ने भाई खोद डाला है और इधर मतलब पॉटी वोटी कर रखी है, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग हैं ही। इस वजह से आज रूम इतना चकाचक साफ हो जाएगा ना कि बेटा फ्लोर पे शक्लें देखने लग जाएंगी तुम लोग को। चलो कर लेते हैं फिर यार, अभी बहुत सारा काम बचा। किचन फिलहाल सेटल कर दी क्योंकि सारे बर्तन वगैरह मैं धुल कर गया था यहाँ से, तो उसमें फंगस होप सो नहीं लगी। और बाकी सैनिटाइज भी कर दिए पूरी किचन और पूरा रूम को भी सही से ढंग से इस बार फाइनल कर देंगे। सो फार सो गुड, अभी इतना कुछ हुआ है, अभी भी मैसी लग रहा है आई नो दैट, लेकिन अब पोछा वोछा लगा के जब सेट होगा ना ये सब, तब सही हो जाएगा। देखो आज पहली बारी वाली विंडो खुली। देखो जूते वूते भी लगे हैं, धुली दी क्योंकि बहुत समय से धुले हुए नहीं थे, और एक्सरसाइज हम लोग इतनी रेगुलर करते हैं ना जिसकी वजह से जूते गंदे हो जाते हैं। तो रूम तो ऑलमोस्ट हो चुका है यार, बाकी सारा काम भी हो चुका है, बस मैं चार्ट पेपर लेकर के आ गया था। कलर देखो कितने प्यारे हैं, टेबल और इसके पीछे हम इसे ऐसे लगा लेते हैं ना तो मिरर की तरह यूज़ हो जाता है। तो बस ये दो चीज़ें कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा रूम साफ कर लेते हैं, बस ये वाला करते हैं, फिर उसके बाद खाने का इंतजाम भी करना है, वो वाला इंतजाम भी कर लेते हैं। इतनी अच्छी सफाई हुई है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और अभी दिखाता हूँ कितनी तगड़ी लग रही है टेबल मेरी। देखो जरा कितना साफ सुथरा लग रहा है यार। अब ये सब तो होता रहेगा, लेकिन अभी दिक्कत पता है क्या हो रही है, ऊपर जितने लड़के रहते हैं ना यार, अब न्यू कमर ये हैं, ये तो पहली बार ही रहे हैं। अभी तो टंकी खोल के चले गए, अब हम जैसे भी समर सेबल चला रहे हैं ना तो सारा पानी निकल निकल के यहाँ से भर जा रहा है, जीना हमारा वाटरफॉल हो जा रहा है एकदम। तो देखते हैं इसकी बंदोबस्त, अब इस खिड़की से अंदर वाली वो बंद करनी पड़ेगी टंकी। देखो वो वाली जो टंकी है ये वाली, ये खोल के चले गए। अभी मैंने हाथ डाल के इसको तो सरका दिए, लेकिन हाथ ऑब्वियसली चौड़ा है ना तो उसके अंदर इससे ज़्यादा नहीं जा रहा है, वहाँ के लिए कोई लकड़ी ढूंढ के लानी पड़ेगी। लेकर आ अनूप जा यार कूदो। अनूप तो डिस्टर्ब कूद के हम लगी चोरी कर रहे हैं इस समय। अरे ये वाली उठा लो, हाँ ये वाली। अरे मोटी है तो क्या हो गया, जब करने की सोच लिए तो मोटा पतला क्या देखना। भाई ऐसे तो निकल नहीं पा रहा है, अब जिनका वो है उन्हीं से यार बनाने की कोशिश करी जाए, चोरी की। अरे हो गया सिस्टम, जीवन में बहुत चीजें देखी मुझे, ये दिन भी दिखाई दिया है। अबे ये भी ना छूट जाएगा गंदा वालू। हैंग क्या हो जाते हो भाई बीच में, अबे नहीं जाएगा ना वो, बहुत टाइट लगा हुआ है, मोटी वाली नहीं रुकी यार कोई रात जब धूते हो पीता लिया मुझे। अरे हाँ मजाक नहीं, अरे वो भी चला जाएगा, पकड़ो इसे, पकड़ो नीचे ना देखो, पीने की तो चलो बाहर का लेते हैं पानी यार, ढूंढने की क्या करें भाई, टंकी चला हम अकेले तब तो खोल के ही आराम से, तब नहीं दिक्कत थी। अबे अब दिक्कत हो जाएगी ना, तुम निकल के खोल के पता लगेगा, डायरेक्ट में चलना वो भी ना चले। हाँ भाई वो भी व्यवस्था हो गई है, पूर्वज हमारे कितने वो रखे हुए बोलते हैं, चाहे हम शिकायत जाते थे हमारे लड़के टंकियाँ खोलने वाले, देखते कर तो दिया फाइनली कितना बचता है कितना नहीं। ये आइटम बनाया था ऐसे करके,
टंग क्लीनर इन्हीं लोग का लिया था मैंने जाऊँ भाई समस्या है जिसकी उसी से समाधान हो, रस्सी बांधी ऐसे। देखो ये जो पहली वाली टंकी है ना, ये वाली, इसमें से पानी बह रहा था, अब नहीं बह रहा है। कर देना यार एक दिन गुस्सा, चलो आज शाम को कर देंगे सर। अरे वाह भाई फाइनली हो गया, देख रहे मजदूरों जैसे हाथ हो गए यार, लेकिन काम हो गया। अब फाइनली पानी से नहा तो सकते हैं, नहाने की दिक्कत थी, हमने इतनी सफाई कर ली, मोटर इतनी देर चल नहीं पाएगी ना, आधा घंटे चलेगी भूख जाएगी इसी वजह से। तो यार घर पे खाने की जाम कौन करता, हम लोग यहीं पे आ गए थे, सिंपल दाल रोटी खा रहे हैं, वैसे खाते निपट जाएंगे। मेरे जबरदस्त लड़के ने जबरदस्त पेज लड़ाया भाई, काट डाली एकदम, पूरा झाग डुप्लीकेट है भाई एकदम, देखो लगा। Everybody से हो यार। देखो रात हो गई बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 10 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट गाइस।